नौजवान पढ़े लिखे ने नवा कंटेंट है तुहानू दिखाने जा रहे हैं स्मोकी बिस्किट्स। ये नौजवानों ने इत्थे स्टाल लाई हुई हैगी आ। दोवें नौजवान साढ़े नाल ने आखिर है कि पहला ना तो ये पुछदे कि नाम रखे इन्होंने स्मोकी बिस्किट्स, आखिर है कि कंटेंट की हैगा और की जड़ा हैगा ये करके की दिखाते हैं, क्योंकि रश रहिंदा हैगा स्टाल ते। असीं दो कु मिंट इन्हां नाल गलबात करांगे भाई जी, की नाम हैगा और कितों आए हो, की हैगा कंटेंट की है जी। मेरा नाम हरजिंदर सिंह है जी, असीं फरीदकोट जिले के रहने वाले हाँ। यही बिस्कुट आम किसी भी क्वालिटी का होया, जिमें वैफर ला लो जां कोई भी चोको चिप्स फ्रूट स्नैक वगैरह, तो इस विच ही लिक्विड गैस पाई जाती है। उस तो बाद जो उसनू आपां खाने तो मूँह चो ही एक तरह की भाफ निकलती है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है जी। भाई ये आइडिया कितों लिया, जब दिमाग च कीता क्यों है, पढ़ाई की है तुहाडी? मैं जी इलैक्ट्रीकल का डिप्लोमा किया होया जी। इंजीनियर हो? हाँ जी। हम इंजीनियरिंग इधर ला रहे हो जाने के? हाँ जी हाँ जी। कोई जॉब वगैरह नहीं ट्राई की? नहीं की सी, रिफाइनरी बहुत टाइम जाते रहे मैं, 3 महीने तकरीबन उत्थे नहीं कोई सुनवाई हुई, इसलिए फिर कोई अपना कंसैप्ट किवें आया है दिमाग च भी फिर आह। आम तौर पर की हुंदा है कि मुंडे डरदे ने यार भी आपदे हत्थी काम करन तो, किवें कंसैप्ट आया दिमाग दे विच? मैं ही बठिंडे खुद उत्थे मेले च देखिया सी ये लग्या होया, उत्थे मैं सोचा भी चलो यही काम किया जाए भी अगे वधिया तरीके नाल, तो इस आपां भी कामयाबी मिल सकती है किसे ऊं वैसे करन नालों। ओके, तैयार करके दिखाओगे सानू? दिखायो। ये तैयारी हो रही हैगी है जिन्हों स्मोकी बिस्किट्स के नाम नाल जिहड़ा हैगा वह जाणिया जांदा हैगा। तुहानू दस दईए ये बिस्किट्स ने पहला इन्हां ने पा ले और देख सकते हो तुसीं, और वाइफर जिहड़े ने ओह पाए जा रहे ने। ये कहिंदे साइड इफेक्ट कोई नहीं गा, जस्ट क्योंकि असीं पहला देखते रहे हैं कि पान वगैरह जदों जिहड़ा हैगा ओह इस तरह तो ये की है बई जी? ये लिक्विड गैस है जी। लिक्विड गैस है ये लिक्विड गैस जिहड़ी इहदे विच पाई जाती है और फिर ये आपका प्रोसैस करते हैं जोड़ा सारा। और तुसी एक करी मगर भी मैं कहना विखा दो, तुसी लोग वेख लो किन्ने इकट्ठे ने जिहड़े देखण वास्ते। और यह जिहड़ा हैगा जिन्हों जिन्हों इन्होंने नाम दिता है स्मोकी बिस्किट्स जिहड़ा हैगा यह तैयार हो गया हैगा। इहनू कोई ऐसे तरह हाथ च पकड़ सकदे कोई इहो जिहा कुछ इहो जिहा ठंडा होवे सी, इह नैपकिन नाल फड़िया जावे तां वधिया ही। अच्छा, नैपकिन नाल फड़िया जावे, बहुत ठंडा हुंदा इह। किन्ने टाइम बाद इहनू खा सकदा बंदा? बस ये जो लिक्विड नहीं है तो पीना नहीं डायरेक्ट ही, इस विच कोई दिक्कत नहीं। वैसे जो आप यूज़ कर लेने तो कोई दिक्कत नहीं, लिक्विड डायरेक्ट ना पीता जाए। लिक्विड डायरेक्ट ना पीता जाए? हाँ जी। ऊँ की कोई दिक्कत? हाँ जी ऊँ कोई दिक्कत नहीं। इनू स्मोकी बिस्किट क्यों कहते हैं? धूं निकलता एक तरह स्मोक निकलती है, उस तो इसका नाम स्मोकी बिस्किट से। अच्छा, पै गया जी। उस तो बाद स्मोक ये यूज कर लो फिर बाद ज्यादा टाइम बाद स्मोक फिर उड़ जाती है। नहीं अच्छा, जिम्मे आह है ना? हाँ जी। ये आप जे नाम की है? नाम की है? हरजिंदर सिंह। हरजिंदर इंज ज नहीं लगता गा कि नौकरी वाल जाना सी यार, इंजीनियरिंग की सी ते अज इत्थे स्टाल लगी हुई हैगी आ। यही अपना काम भी वधिया ही, वैसे देखा जाए तो कहते होर मेहनत करने वालों जो कोई नहीं सुनवाई हो रही फिर उस चीज़ नो अपना काम किया ही बेहतर है जी। अच्छा, कितने ना कितने सरकारा नाल गिला हैगा यार भी, वादे तो सरकार हरेक ही कर देंगे आके भी नौकरी देवे घर घर ज कुछ इस तरह का, अच्छे अर्गे इंजीनियरिंग बंद इस तरह के वर्क करने पै रहे हैं। हाँ जी, हम इंडस्ट्री बन नहीं रही फरीदकोट, जिमें आप देखे ही शुगर मिल सी वो भी उतो कैंसल होकर चला गया जी प्रोजेक्ट। वो जो कोई एक इस तरह का प्रोजेक्ट हो सौखा हो जाता फिर भी नौकरी मिलनी, हुण कोई फरीदकोट च कुछ भी इस तरह का है नहीं जी, इस लिए फिर कोई तो अपना करना ही पैना जी। ओके, पेरेंट्स नहीं कुछ कहते जो कद यार दोस्तों ने कहा यार किहड़े काम च पै गया कीती तां इंजीनियरिंग सी? नहीं यार दोस्त तो वैसे हैल्प ही करी है जी, मैनू कोई इस तरह की गल नहीं जी। कदों किन्ने इत्थे हुण किन्ने दिन रहना हैगा जां किवें बना के आए हो, हर रोज़ आउने जाने हो, किस तरह का शड्यूल बनाया? नहीं इत्थे ही लगावांगे जी असीं अपना टेंट लगा के, इत्थे ही रहना जी। इत्थे फरीदकोट तो अप डाउन दा तां डेली औखा जी, इसे लई इत्थे ही रहांगे। इत्थे ही रहोगे? हाँ जी। जदों सुबह घरों सोच के आने हैगे हो किन्ने किन्ने कु टाइम च सारा प्रोसैस जिहड़ा हैगा तैयार करके ले आने हैगे हो?
ਬਸ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੀ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰ ਲਈਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਬਿਸਕੁਟ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕੁਛ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਹਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਾਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਬਈ ਵਧੀਆ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਵਾਧਾ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਈ ਅੱਗੇ ਚਲੋ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੋ ਜੂਗਾ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਸਜਾਏ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਬੀ ਟੈਕ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬੀ ਟੈਕ ਵੀ ਕਰਨੀ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਮੁੰਡਾ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਬੀ ਟੈਕ ਕਰੂੰਗਾ ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ ਕੰਟੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾਓ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਸਕੁਟ ਖਾਓ ਅਤੇ ਨਾਲ ਧੂੰਆਂ ਵੀ ਨਿਕਲੂਗਾ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਸਮੋਕੀ ਬਿਸਕੁਟ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਹੈ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਜੋ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆਪਦੇ ਹੱਥੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਗਬਾਣੀ ਲਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਿਨੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਓ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰੋ ਧੰਨਵਾਦ